से आप कनेक्ट होंगे, तो आप डाटा अगर आप कनेक्ट होंगे तो डाटा भी ट्रांसमिट करेंगे। जैसे अपने मोबाइल से आप नेटवर्क में गए, वो अपलिंक डाउन जिसको बोलते हैं हम, वो भी सेम चीज है। तो जो स्लाइड, आई एम गोइंग टू रीड द स्लाइड, द थिंग इज दैट ट्रांसमिशन डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, एक डिवाइस दूसरे डिवाइस में, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में, ये भी कम्युनिकेशन, इसको बोलते हैं टू वे कम्युनिकेशन और डाटा ट्रांसमिशन। फॉर एग्जाम्पल मॉडम, केबल, एयरपोर्ट, ऑल आर कम्युनिकेशन डिवाइस। तो टाइप्स ऑफ मीडिया कम्युनिकेशन, कैसे मतलब ऐसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, ऐसे मोबाइल से आपका टावर कम्युनिकेट हो रहा है या फिर आपका कोई भी कम्युनिकेशन हो रहा है, उसके थ्रू कुछ बीच में कोई मीडिया चाहिए ना। जैसे आप किसी तरह से अपनी आप टीवी स्टार्ट करते हैं, तो उसको कम्युनिकेट करने के लिए आप कोएक्स केबल्स को बोलते हैं, आईएफ केबल्स को कनेक्ट करते हैं आप। जो कनेक्टिविटी में जो पास यूज होता है, जो डिवाइस, जो टेक्निक, जो भी समझ लीजिए यूज, चीजें यूज हो रही है, इसको बोलते हैं मीडिया। लाइक ये पहला ट्विस्टेड पेयर वायर केबल, ये नॉर्मल इंसुलेटेड केबल्स है जो भी कनेक्टिविटी काम में आती है। लाइक कोएक्सियल केबल, आप घर में डिश टीवी होगा, टाटा स्काई होगा, जिसकी उस केबल से जो कनेक्टिविटी होते हैं, जो कनेक्टिविटी करते हैं, जो मीडिया होता है, ऐसे आपका सेटअप बॉक्स से जो आपका मेन जो आपका समझ टैप पॉइंट है, टैप जिसको बोलते हैं, जहाँ से आपका जो केबल प्रोवाइडर है या सर्विस प्रोवाइडर है जो भी आपको नेटवर्क देता है, उसको बोलते हैं टैप लेवल। टैप लेवल तक अपनी फाइबर लाता है, फिर फाइबर के घर में जो इन हाउस नेटवर्क होता है वो आपका कोएक्सियल केबल होता है, उसको बोलते हैं कोएक्सियल केबल या फिर आईआर इंफ्रारेड केबल। उसके बाद फाइबर कनेक्टिविटी, फाइबर ऑप्टिकल, जैसे अभी बात हो गई आपकी, पहले बात हो गई ये कोएक्सियल केबल की। अब मान लीजिए आपको कि आपको दो सिटी कनेक्ट करनी है, तो आप फाइबर थ्रू करते हैं। आपने सुना होगा कि टाटा की फाइबर है, जियो की फाइबर है, तो लॉन्ग डिस्टेंस, अब लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्टिविटी के लिए हम फाइबर का यूज करते हैं, इससे लॉस कम होता है और हमारे ड्रॉप, हमारे नेटवर्क लॉस में बहुत कम चांस होती है। तो हम फाइबर ऑप्टिक्स का उस केस मिस करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस या फिर लंबे कम्युनिकेशन के, जहाँ डिस्टेंस ज्यादा है। फिर आता है टाइप्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन मीडिया, जैसे आपका माइक्रोवेव कम्युनिकेशन। आपने सुना होगा टावर में एक राउंड शेप के बॉक्स लगे होते हैं, या फिर गोल डिब्बे इसको बोलते हैं, डमरू इसको बोलते हैं, मतलब एक लेमैन लैंग्वेज को बोलते हैं माइक्रोवेव बॉक्स या माइक्रोवेव एंटीनाज। माइक्रोवेव एंटीना से कोई आपको नेटवर्क नहीं मिलता है कि आपके मोबाइल रेंज आती है, वो एक मीडिया है, दो टावर को कम्युनिकेट करने के लिए एक मीडिया है, एक डिवाइस है जो कनेक्ट होती है। उसमें क्या होता है, एक टावर है, दूसरे टावर से कनेक्ट होगा, वो माइक्रोवेव कम्युनिकेशन से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड रहेंगे, तो उस केस में माइक्रोवेव कम्युनिकेशन यूज होता है। आपको मालूम है सारे टावर जो एक सिटी में टावर लगे हैं, वो आपस में इंटर कनेक्टेड होते हैं वाया माइक्रोवेव, वाया फाइबर। वैसे बहुत डिस्टेंस, मान लीजिए 50 किलोमीटर से ऊपर ज्यादा डिस्टेंस है, 60 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो माइक्रोवेव कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। उसके इसमें क्या है, हम करते हैं फाइबर, फाइबर डाल देते हैं और उसके आगे माइक्रोवेव। बस जैसा मतलब टोपोलॉजी, ऐसा प्लान बनेगा आप लोग का, जैसे ऑपरेटर का प्लान है, तो वहां पे माइक्रोवेव कम्युनिकेशन करते हैं, और जहां पे शॉर्ट डिस्टेंस है वहां माइक्रोवेव, जहां लॉन्ग डिस्टेंस है वहां पे हम करते हैं फाइबर से कम्युनिकेट करते हैं, कनेक्टिविटी करते हैं। अब जैसे आप समझ सकते हैं हिली एरिया, पहाड़ों में फाइबर डालना पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ क्या है, दो पहाड़ियों को कनेक्ट करने में माइक्रोवेव कम्युनिकेशन करते हैं, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे उसमें क्या है, माइक्रोवेव एंटीना साइज होते हैं, छोटे डिस्टेंस है, मान लीजिए 2 किलोमीटर डिस्टेंस, तो माइक्रोवेव एंटीना का जो डायमीटर, जो साइज होता है एंटीना का, वो डिफरेंस होता है, लाइक 0.3, 0.6, 1.2, 1.8, 3.6। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मतलब जो मैंने किया हुआ 1.8 तक किया हुआ है, मतलब देखा है लिंक कुछ से उसको इंटीग्रेट या फिर कुछ फ्रीक्वेंसी मैंने डाली है, तो 1.8 मतलब एंटीना उस समय की बात है, अराउंड 2014 दो टावर कह गए, दो डिफरेंट डिफरेंट पीक्स के थे माउंटेन की। तो आप अगर बाय रोड जाएंगे तो डिस्टेंस अराउंड 40 किलोमीटर थी, 41 किलोमीटर, और बाय आप एयर, मतलब बाय पीक टू पीक कनेक्ट करेंगे, तो
13.5 किलोमीटर अराउंड 40 किलोमीटर डिस्टेंस थी। सो हम एयर डिस्टेंस का काउंट करते हैं, तो वो टावर कनेक्ट करने के लिए हमने 1.8 का मैक्रो में लगाया था और कनेक्टिविटी हुई। ऐसा नहीं मतलब लिंक हो जाते हैं, मतलब उसके लिए बहुत सारे मतलब रूल्स हैं, बहुत सारे नॉर्म्स हैं, कंपनी के ट्राई के बहुत सारी पॉलिसीज हैं कि आपको इसी बैंड की फ्रिक्वेंसी यूज करनी है और बहुत सारा उसमें टेक्निकल चीजें हैं, वो हमारे सिलेबस का आउट ऑफ सिलेबस है तो वो बताएंगे और नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि मतलब मैक्रो कम्युनिकेशन का यूज होता है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के। सैटेलाइट कम्युनिकेशन आपकी टीवी चलती है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन कैसे होता है, सैटेलाइट एक जगह कहीं रिसीव करता है फिर उसको ट्रांसमिट करता है। और आपने एक चीज देखी होगी आपके घर के ऊपर से आपने टाटा स्काई लगाया होगा या फिर एयरटेल टीवी लगाया होगा, जो भी डिश टीवी वीडियो पॉइंट बहुत सारी टीवी आती लगाया होगा, तो वो अपना एक रिसीवर लगाते हैं ऊपर। तो हम लोग बोलते हैं उसको एंटीना बोलते हैं आप लोग छतरी जो भी लोग बोलते हैं मतलब उसको आगे वाला एंटीना ही बोलते हैं। जैसे पहले आपने सुना दूरदर्शन था, दूरदर्शन हुआ करता था उस टाइप में लंबे लंबे रॉड्स वाले एंटीना आते थे, मतलब काफी लंबे लंबे आते थे, छत्र आते थे घुमाते थे, उसको यागी वाला एंटीना बोलते थे, वो भी सिग्नल रिसीव करता था। लेकिन अभी जो हम बता रहे हैं ये एंटीना, इसमें लगे रहते हैं हमारे ट्रांसपॉन्डर। आपने एंटीना आगे देखा होगा, लगा होगा एक राउंड शेप लंबा सा बॉक्स, उसके आगे वही हमारा ट्रांसपॉन्डर होता है। छतरी जो होती है वो जस्ट फॉर सेफ्टी होती है, फॉर डिस्टेंस, फॉर एंगल स्पीड होती है। लेकिन जो हमारा मेन जो होता है वो ट्रांसपॉन्डर जो छतरी के सेंटर में लगा रहता है, उससे हमें माइक्रोवेव मतलब उससे हमारी सैटेलाइट ट्रांसमिशन रिसीव होता है, वो केबल के थ्रू हमारे टीवी जाता है। आपने सुना होगा कि चैनल लॉस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, उसको बोलते हैं हम लोग लॉस, चैनल लॉस, या फिर ATPC ऑन करिए डिवाइसेस में, ऑटो ट्रांसफार्मर कंट्रोल जैसे। अब क्या होता है, हम एक नॉर्मल पावर रखते हैं DBM से बोलते हैं DBM, तो DBM हमारी यूनिट है ये पावर कैलकुलेट करने की। तो एक यूनिट लगते हैं हम लोग, मान लीजिए 18 DBM नॉर्मल जो गर्मियों में मॉडरेट क्लाइमेट में रहती है। लेकिन जब हम चेंज करते हैं, मान लीजिए बहुत ठंड है, बहुत फॉग हो रहा है, अब बारिश हो रही है, उस टाइम क्या हम अपने डिवाइसेस में ATPC ऑटो ट्रांस पावर कंट्रोल ऑन कर लेते हैं। इससे क्या होता है, जैसे जैसे मान लीजिए जैसे गर्मी उस हिसाब से अपनी आपकी पावर को वो एडजस्ट करता रहता है। फिर आता है सेलुलर टेलीकम्युनिकेशन, दैट मैंने आपको बताया हुआ है, मोबाइल कम्युनिकेशन बाय ट्रांसमिटेड बाय फोन रिसीवर। आपके फोन में दो चीज होती है, एक होता है ट्रांसमीटर, होता है रिसीवर। ट्रांसमिट करने के लिए होता है, आपने कॉल किया ट्रांसमिट रिसीव, मतलब आप कोई चीज डाउनलोड करेंगे अपने फोन में तो वो रिसीव करेगा। इंफ्रारेड ट्रांसमिशन, अब वैसे ब्लूटूथ आया था, ब्लूटूथ भी एक ट्रांसमिशन का वो है, उससे पहले आता है इंफ्रारेड ट्रांसमिशन, जिसकी डिस्टेंस 2 से 1 मीटर 2 मीटर मतलब समझ लीजिए आधे मीटर की, आपके समझ लीजिए 100 मीटर की डिफरेंस नहीं, इससे भी कम, 0.5 मीटर, हाँ 0.5 मीटर की डिस्टेंस के लिए यूज हो रही है। 0.5 मीटर की डिस्टेंस में डिवाइसेस हैं तो ये ट्रांसमिशन पॉसिबल था, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस में ये काम नहीं करता। तो इसीलिए इंफ्रारेड ट्रांसमिशन ड्रॉबैक में चला गया और ज्यादा यूज नहीं हुआ, मार्केट में इतना पॉपुलर नहीं हुआ, क्योंकि इसके ड्रॉबैक थे बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे, शॉर्ट डिस्टेंस अगल बगल लोग बैठे हैं, आस पास बैठे हैं तो आप डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई उस रूम कोई 100 मीटर दूर बैठा, कोई दूसरे डिस्टेंस पे है, मतलब दूसरे रूम में आप यहाँ बैठे हैं, आपने बोला ब्लूटूथ से डाटा ट्रांसमिट करना है तो नहीं सकता, लेकिन तो इंफ्रारेड नहीं सकता, लेकिन ब्लूटूथ केस में आप कर सकते हैं। हाँ बोलिए, जैसे इंफ्रारेड ट्रांसमिशन की बात कर रहा हूं मैं, तो इंफ्रारेड ट्रांसमिशन जो होता है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है, छोटे डिस्टेंस के लिए, मान लीजिए 1 मीटर आधा मीटर के डिस्टेंस के लिए पॉसिबल है। इसीलिए ये मार्केट से चला गया, क्योंकि ये डिस्टेंस का इशू सबसे ज्यादा बहुत छोटे डिस्टेंस के लिए था,
और इसका मतलब ऐसा कोई फायदा, मतलब खास फायदा हमको मार्केट में नहीं मिला कि इंफ्रारेड मोबाइल में इनेबल कर दें तो हम कोई, मतलब इससे हमें कोई रेवेन्यू को प्रॉफिट हो रहा है, मोबाइल ज्यादा सेल हो रही है, तो इसको मार्केट से चला गया, गायब कर दिया गया। फिर आया हमारा ब्लूटूथ भी आया, ब्लूटूथ जो काम जो काफी पॉपुलर है अभी, वो भी यूज हुआ। अब आते हैं माइक्रोवेव रिले स्टेशन। लाइक देखिए, ये जैसे मैंने बताया आपको कि माइक्रोवेव पैड होते हैं एक दूसरे से, ये माइक्रोवेव कम्युनिकेशन हुआ। देखिए कैसे माइक्रोवेव कनेक्टेड है एक टावर। माइक्रोवेव कम्युनिकेशन का मेनली होता है कि कनेक्टिविटी केस में, इससे हमें कोई फायदा नहीं है, ये केवल कम्युनिकेशन के केस में होता है माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, दो टावर कनेक्टिविटी केस में। अब ये आपका है एक लेआउट डायग्राम या फिर ब्लॉक डायग्राम, हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग विद द डिफरेंट डीएसपी, डिफरेंट बीटीएस। तो ये थोड़ा अच्छा टॉपिक है, थोड़ा मतलब बड़ा टॉपिक है, इसको मैं थोड़ा आराम बताऊंगा आप लोग को। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, कहीं एग्जाम्पल लेते हैं, मानिए लखनऊ, ठीक है, एक से एक। अब लखनऊ क्या है, एक सिटी है, तो लखनऊ को हम बोलते हैं टेलीकॉम की लैंग्वेज में सेल, यूपी को बोलते हैं हम क्लस्टर, और लखनऊ के अंदर जो सिटीज हैं, जो एरियाज हैं, लाइक लोकेशन लाइक हजरतगंज, आलमबाग, ये सब किसको बोलते हैं, माइक्रो सेल्स। तो टेलीकॉम ने अपने आप को डिवाइड किया है, अपना खुद का क्राइटेरिया, खुद का पैटर्न है, खुद की उनकी टर्मिनोलॉजी है, उन्हें अपने हिसाब से चीजों को डिवाइड किया हुआ है, सेल माइक्रो सेल क्लस्टर। लाइक अब यूपी को दो क्लस्टर डिवाइड, क्योंकि यूपी बहुत बड़ा है, यूपी ईस्ट यूपी वेस्ट, यूपी वेस्ट में कवर कर लेते हैं उत्तराखंड, क्योंकि वो छोटा एरिया है और यूपी वेस्ट छोटा है, तो कवर जाता है उत्तराखंड भी। हम यूपी वेस्ट उत्तराखंड एक मानते हैं टेलीकॉम की लैंग्वेज में, यूपी ईस्ट अलग है आपका, बिहार अलग है, कोलकाता अलग है, सब अलग अलग ये क्लस्टर है, महाराष्ट्र एंड गोवा अलग है, दिल्ली अलग है, दिल्ली एक अलग क्लस्टर है, पूरा दिल्ली इसमें आता है, तो ये सारे क्लस्टर डिवाइड है। अब सबकी कनेक्टिविटी तो है ही दूसरे से। अब मान लीजिए आपको, आप दिल्ली से यहाँ बात करते हैं तो कुछ ना कुछ तो कनेक्टिविटी होगी, कैसे कॉल आप दिल्ली से लखनऊ बात कर ले रहे हैं, हाँ कनेक्टिविटी है। हर हर स्टेट में, हर क्लस्टर में अपनी एक ऑपरेटर की, हर एक ऑपरेटर की, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि किसी स्पेसिफिक ऑपरेटर, मैं बोल रहा हूँ हर ऑपरेटर, लाइक एयरटेल वोडाफोन जो भी है, सबकी अपनी एमएससी होगी, इसको बोलते हैं हम मास्टर स्टेशन कंट्रोलर, मास्टर स्टेशन कंट्रोलर। वो हर सिटी में एक होती है, सॉरी स्टेट में, और बीएससी क्या होती है, बेस स्टेशन कंट्रोलर। फिर बीएससी से कनेक्ट होता है आपका बीटीएस, इसको बोलते हैं बेस ट्रांसीवर स्टेशन, और फिर आपका मोबाइल स्टेशन। तो आपको बताऊंगा मैं कैसे कॉल फ्लो होती है, कैसे कॉल आती है, जो भी होगा बताऊंगा आपको मैं। पहले सबका फंक्शन बता दूं, फंक्शन में बीटीएस क्या बोलते हैं इसको, बीटीएस जो आपके घर के आसपास जो मोबाइल टावर होते हैं उनको बोलते हैं बीटीएस, बेस ट्रांसीवर स्टेशन, ठीक है। उसके बाद बीएससी होती है। अब जो टावर है पर कनेक्ट तो होगा, कहीं उसका एक मास्टर तो होगा जिसको ऑर्डर देगा, तो उसका मास्टर है बीएससी, ठीक है। तो एक एक सिटी में से इलाहाबाद दो तीन बीएससी, मिनी बीएससी, छोटी बीएससी, लेकिन जो मेन बीएससी होगी वो की होगी जो एमएससी से कनेक्ट होगी। ऐसे मान लीजिए बहुत बड़ा, बहुत 8-10 लोकेशन ऐड की एक साथ, एक बीएससी में डाल दी, भाई ये 10-10 छोटी है, ये मिनी बीएससी होगी, इसको कनेक्ट कर देंगे बीएससी से। इस हिसाब से अपना जैसा लोग अपनी सहूलियत लगी, जैसा आप लोग को कम आसान हुआ टेलीकॉम टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों को, उन्हें अपने हिसाब से चीजों को कस्टमाइज किया और ऐसे एक लेआउट, एक डायग्राम बनाया कैसे हमको नेटवर्क पाथ फॉलो करना है। तो देखिए बताता हूँ मैं, बीएससी भी होती, 2G कैसे आपने देखा मार्केट में 2G है, 3G है, तो ये जो 2G 3G है उसके हिसाब से हमारा वो भी चेंज आता है टर्मिनोलॉजी। तो अगर 2G की भी, अगर 2G का नेटवर्क वाला है तो उसको बोलते हैं बीएससी, अगर 3G का नेटवर्क है उसको बोलते हैं रैन, रेडियो एक्सेस नेटवर्क, और फिर अगर 4G है तो SRAN, और 5G है तो ORAN। मतलब ये ORAN तो अभी हम यूरोप में अभी चालू हुआ है, जापान इज ऑल्सो वर्किंग ऑन दैट ORAN, मतलब 5G।
ये बातें हैं अलग अलग, कैसे मतलब जो बताया मैंने आपको, नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज हैं अलग अलग, मैं बताऊंगा कैसे कॉल फ्लो होती है, ठीक है। जैसे आपने मोबाइल स्टेशन से अपने कनेक्ट किया कोई नंबर, मान ली किसी को आपने बैठा हुआ है, आप यहाँ पे लखनऊ में आपने किसी कॉल की मेरठ या फिर कहीं मान लीजिए एज पर योर रिक्वायरमेंट, तो आपने मोबाइल नंबर डायल किया, वो BTS पे गया। BTS क्या है? डायरेक्ट BSC भी जाएगा। ये प्रोसेस नैनो सेकंड का प्रोसेस है, ये आप कॉल कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ये प्रोसेस नैनो सेकंड का है। तो BSC पे गया, BSC से जाएगा MSC चक्कर ही, कहाँ की कॉल है, क्या सेशन कोड है, MSC आप जो अपने डॉक्यूमेंट जो सब देखते हैं, SIM लेते हैं तो डॉक्यूमेंट देते हैं ना अपने, ये आधार कार्ड फोटोग्राफ, वो MSC में हमारे एक अलग से एक वो होता है ऑथेंटिकेटर कनेक्ट होता है, उसमें रहता है हमारे यूजर्स की डिवाइस, यूजर्स के एड्रेस लोकेशन सब कुछ रहता है जो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है। उसमें होता है HLR VLR, होम लोकेशन रजिस्टर एंड विस्टर लोकेशन रजिस्टर, उसमें स्टोर रहती है डिवाइस में MSC में। तो हमने कॉल की, MSC ने ऑथेंटिकेट किया, चेक किया हमारे HLR में कौन कौन है, तो चेक किया, हाँ भाई ये तो मेरठ का नंबर, तो मेरठ की BSC में कनेक्ट कर दिया, MSC में, MSC से BSC में गया, और वो लोकली देखेगा बंदा किस लोकेशन पे है, किस BTS से कनेक्टेड है, उसको BTS से कॉल जाएगी, कॉल कनेक्ट हो जाएगी। ये तरीका है कॉल फ्लो का। बस अगर आप लैंडलाइन से लगाएंगे कॉल, तो यहाँ जो BTS और BSC में जो जगह है वहां पे की जाती है GMSK, वो डिफरेंट टेक्निकल गेटवे है हमारे लगाते हैं, वो GMSK होता है, वो अलग चीज है। अब ऐसे उधर से कॉल करेगा मेरठ से, तो यहाँ ऑथेंटिकेट होगा, MSC ऑथेंटिकेट होगा कि ये HLR है, किस VLR से कनेक्टेड है, तो अपना ये कॉल कनेक्ट होगा, ठीक है। ये आपका कॉल फ्लो है, कैसे मतलब BTS कैसे कनेक्ट होता है मोबाइल से, वो टर्मोलॉजी मैंने बताई है आपको। एक लेआउट है, मतलब जैसे समझने के लिए लेआउट है, बहुत टेक्निकल आएंगे तो डिफरेंट चीज हो जाएगी कि कैसे चैनल्स होते हैं, कि क्या TS होता है, क्या RS होता है, क्या ट्रांसमिट होता है, क्या रिसीव होता है। क्या ट्रांसमिट होता है, क्या रिसीव होता है, वो अलग अलग चीजें हैं। अब क्या होता है BTS में, अब BTS और BTS के वेंडर्स होते हैं, जैसे नोकिया सॉल्यूशन नेटवर्क का वेंडर है, एरिक्सन ग्लोबल नेटवर्क का वेंडर है जो डिवाइस प्रोवाइड करता है, और हुआवे है, ZTE है, इधर BTS देते हैं, मतलब अपना इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करते हैं नेटवर्क को। और उनसे खरीदता कौन है आपका ऑपरेटर, एयरटेल वोडाफोन, इनकी डिवाइस यूज करते हैं, नेटवर्क देते हैं एयरटेल वोडाफोन। तो BTS BSC और MSC इन्हीं कंपनियों की होती है। जैसे अगर BTS नोकिया का है तो BSC भी नोकिया की होगी, MSC भी नोकिया की होगी, समझ लीजिए मतलब ये तरीका है, एक ही वेंडर फॉलो करते हैं। तो क्या है, टेलीकॉम ने अपने हिसाब से डिवाइड कर रखा है, UP में नोकिया एयरटेल नोकिया यूज करेगा, नोकिया की BTS करेगी, वेस्ट में कुछ और यूज करेंगे, एरिक्सन यूज करेंगे, मतलब इनका अपना खुद का एक अंडरस्टैंडिंग है कि यूपी ईस्ट में अगर नोकिया ने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है टेलीकॉम का तो वेस्ट में हम लेंगे, मतलब उनकी खुद की अंडरस्टैंडिंग है कि अपना कैसे कैसे करना है, वो खुद का अपना उनका प्लेटफॉर्म है कैसे मैनेज करते हैं, वो जानकारी उनको नहीं देनी है किसी से, किसी को जानकारी चाहिए होती है उसकी। वॉट इज GSM? तो पहले स्टार्टिंग में ग्लोबल सब सिस्टम फॉर मोबाइल, जो मोबाइल अपना GSM आया था उसको बोलते थे GSM फोन। अच्छे थे, मार्केट अभी भी चल रहे हैं, लेकिन GSM और CDMA में देखिए दिक्कत क्या हुई। GSM और CDMA में, CDMA के फोन आपने देखे होंगे स्टार्टिंग में आए होंगे, सबसे ज्यादा फोन लॉन्च हुए थे रिलायंस के वाइट फोन जो आए थे स्टार्टिंग में, वो CDMA फोन थे। CDMA क्या होता है, मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। उसमें डिफरेंस क्या है, हर यूजर को एक चैनल प्रोवाइड कर देता है वो, तो क्या होता है अगर 7 चैनल, एक शॉर्ट में 7 चैनल है, 7 यूज है, लेकिन अगर 8वां कॉल कर उसको वेट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। GSM केस में अलग है, लिखा हुआ है कि ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन इज अ डिजिटल सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम, इट वॉज डेवलप्ड इन ऑर्डर टू क्रिएट अ कॉमन यूरोपियन मोबाइल टेलीफोन स्टैंडर्ड, बट इट हैज बीन रैपिडली एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड। कहने का मतलब है कि GSM मार्केट में
1982 में यूरोप में लॉन्च हुआ था, लेकिन धीरे धीरे वो ऑल ओवर वर्ल्ड में तब यूज करने लगे हैं, जीएसएम ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, एसएसएम लिखा ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, इसका ये भी बोल सकते हैं ग्लोबल सब सिस्टम फॉर मोबाइल हम लोग ये बोल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन बोले हम लोग। अभी डिफरेंस लिखा हुआ है ग्लोबल जीएसएम और सीडीएम में, तो मैंने बताया ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, सीडीएम में कोड डिवाइस मल्टीपल एक्सेस स्टोरेज सिम कार्ड इंटरनल मेमोरी। स्टोरेज क्या था, अब क्या आपको कॉन्टेक्ट सेव करने पड़ते हैं तो आप सिम में सेव आते हैं, लेकिन सीडीएम में क्या है, सिम तो होती नहीं, सीडीएम में फोन होते थे तो इंटरनल मेमोरी में आता है सेव। अब ये यूज हुआ सीडीएम में यूज हुआ आपका डोमिनेंट स्टैंडर्ड वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड इन यूएस, सीडीएम में ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सेप्ट हुआ, लेकिन सीडीएम हर जगह, जीएसएम ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सेप्ट हुआ, लेकिन सीडीएम में हर जगह एक्सेप्ट नहीं हुआ। रोमिंग पॉसिबल इजली पॉसिबल है सीडीएम में केस में, जीएसएम केस में, लेकिन सीडीएम में केस में नहीं पॉसिबल है। आपने सुना होगा कि सीडीएम में अभी से ये लिखा हुआ है जीपीआरएस 3G 4G LTE, दीज आर जीएसएम टेक्निक्स, डाटा ट्रांसफर टेक्निक। अब सीडीएम में EVDO 3G 4G LTE ये है, ये भी नहीं आया, लेकिन इनका एडवांस वर्जन आया जीएसएम के तरह ही आया, लेकिन वो सीडीएमए का ऐसे बोलते हैं ना, सीडीएमए का एडवांस, एक्चुअली दैट वाज नॉट सीडीएमए, दैट वाज द एडवांस वर्जन ऑफ सीडीएमए, जो ईवीडीओ आया, आप डाटा कार्ड आए थे उसमें का लिखा रहता होगा ईवीडीओ इन बिल्ड, तो वो ईवीडीओ डाटाबेस थे, डाटा कार्ड थे। अब फ्रीक्वेंसी बैंड दिया हुआ है जैसे 850, 900, 1800, 900, ये फ्रीक्वेंसी बैंड है, जैसे 2G का है, 3G का फ्रीक्वेंसी, सब फ्रीक्वेंसी बैंड अलग अलग होते हैं। अब सिम का फुल फॉर्म का सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल सिम बोलते हैं, आपने सुना होगा आपके फोन में होता है IMI, क्या बोलते हैं हम, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, फिर आपका होता है IMSI, इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी। IMEI, IMSI दो चीजें हैं जो फोन में इनबिल्ट होती हैं, वो बहुत सारे अपने काम से आपने ट्रैकिंग के काम में आती है, IMEI तो ट्रैकिंग काम में आती है, आपके फोन में अगर सिम आपकी आपके फोन में सिम लग गई तो IMEI आपको मालूम पड़ जाएगी ऑपरेटर की, भाई ये IMEI का फोन यूज कर रहा है आदमी, तो वो क्या होता है जैसे कोई क्रिमिनल्स होते हैं भागते हैं तो IMEI से हम ट्रेस करते हैं, अगर मान ली IMEI से भी ट्रेस नहीं हो रहा है तो IMEI के ऊपर भी चीज होती है IMSI, तो बोलते हैं इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी। आप लोग आपके फोन दो कोड रहते होंगे, फोन कभी नया फोन खरीदी आपको देख के उसमें लिखा होगा IMEI और IMSI, तो कैसे इंट्रोडक्शन हुआ, कैसे हमारा नेटवर्क, कैसे हमारा मोबाइल कम्युनिकेशन चालू हुआ, 1G 2G 3G 4G 5G कैसे आ रहा है, ये आपको बताऊंगा मैं आगे लेक्चर में। चलते हैं आगे, वायरलेस क्या होता है, ऐसे नेम हिमसेल्फ इटसेल्फ शोइंग दैट वायरलेस मींस विदाउट वायर, वेयर नो फाइबर केबल, नो कॉपर केबल, नो नथिंग इज रिक्वायर्ड फॉर कनेक्टिविटी, हैविंग नो वायर, दैट इज वायर। द वर्ड वायरलेस इज डिक्शनरी डिफाइंड हैविंग नो वायर्स, नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजी द वायरलेस इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब एनी कंप्यूटर नेटवर्क where there is no physical wire connection between sender and receiver, but rather than network connected by radio waves and microwave or maintain communication. Wireless network specific equipment such as NIC router in place of wire, copper or optical fiber. Like wireless देखिए लिखा हुआ है कि जहाँ कोई भी media, कोई भी communication के लिए कोई हमें कोई physical media या फिर कोई cable जरूरत ना हो तो उसे बोलते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन। अगर आपका फोन वायरलेस कम्युनिकेशन, आप किसी से बात करते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन से बात करते हैं, तो आपने चीज देखी होगी हमारे जो पुराने फोन थे PNT फोन होते थे, PSTN पब्लिक सर्विस टेलीफोन नेटवर्क होता था, उसमें केबल होती थी, केबल आती घर पे, तो वो वायर नेटवर्क था। वन जी स्टार्टिंग में 80s में 1G आया आपका, स्पीड बहुत ही कम 2.4, गूगल भी खोलना है तो आपको एक मिनट वेट करना पड़ेगा। वॉइस कॉल पॉसिबल, एनालॉग सिग्नल आते थे,
ये 1G फोन लॉन्च किया था, मार्केट चले नहीं, स्टार्टिंग में बस उनको कॉल करनी 1G फोन लिए थे। ड्रॉबैक क्लियरली मेंशनड है, बहुत बड़े फोन, अब तो छोटे छोटे फोन आने लगे हैं, वॉइस क्वालिटी कम थी, बैटरी लाइफ थी नहीं, फोन बड़े थे। 2G जब आया आपका, 2G वॉज फर्स्टली लॉन्च इन फिनलैंड 1992। 2G डिजिटल स्पीड, डिजिटल सिग्नल प्रोवाइड करता है और डाटा स्पीड इसकी 64 केबीपीएस तक की देता है। ऐसे 64 केबीपीएस दी आपको डाटा स्पीड, तो आप स्टार्टिंग में जब व्हाट्सएप फेसबुक और ये सब नहीं था तो हम लोग एमएमएस भेजा करते थे, सीधे फोटो सेंड करनी है तो हम लोग एमएमएस मैसेज फॉर्म में सेंड कर देते थे, हम लोग फोटो चली जाया करती थी। ड्रॉबैक क्या हुआ, अगर 2G नेटवर्क में, 2G नेटवर्क कॉम्प्लेक्स, ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं था लेकिन नेटवर्क सिग्नल की स्ट्रेंथ बहुत कम थी फोन्स में, तो ये ड्रॉबैक था। ऐसे आप किसी बहुत ज्यादा रिमोट में जाइए, रिमोट ऑप्शन जाइए, मतलब गांव में या फिर, तो 2G की स्ट्रेंथ कम आती थी, जैसे इसकी जो स्प्रेड पावर थे मतलब जैसे ट्रांसमिटिंग पावर थोड़ी कम थी 2G केस में, इसीलिए 2G का ड्रॉबैक होता है। ऐप आया 2G सेलुलर फोन है, 1G सेलुलर फोन है, जैसे ये वाला फोन सबने यूज किया होगा अराउंड 2001 के आसपास ये हुआ था। ये तो 3G और 2G बीच में एक चीज और आई 2.5G, सब एडवांस हो रहे, थोड़ा बहुत सबने एडवांस किया, तो इंडिया में भी ऐसे बोला गया कि भाई 2.5G लाते हैं इसको, हम 3G होने लगे। किसी कंपनी ने 2.5G बोला, किसी ने 3G बोला, जैसा जिसको सही लगा अपने हिसाब से यूज किया। तो 2G में 2.5G या 3G में इसको क्या फायदा हुआ, लोग की स्पीड, नेटवर्क की स्पीड बढ़ गई, नेटवर्क की क्वालिटी बढ़ गई, अब लोग ईमेल कर सकते थे, वेब ब्राउजिंग थोड़ी पॉजिटिव बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई 144 केबीपीएस तक, ये फायदा हुआ 3G में, स्पीड और बैंडविड्थ दोनों आपको बढ़ गई। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, जैसे लोग, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं स्पीड और बैंडविड्थ के केस में, स्पीड अलग चीज है, बैंडविड्थ अलग चीज है। स्पीड जो आप मिल रही है आपको, मतलब एट द करेंट, जैसे आप गूगल में जाएंगे, आप स्पीड टेस्ट करेंगे, लिखेंगे, तो वो स्पीड है आपकी। और बैंडविड्थ क्या, जितनी आप खरीद रहे हो ऑपरेटर से, जैसे ISP से आपने 1GB का प्लान मिला, 1MB, 10MB या 40MB का प्लान लिया, तो आपकी बैंडविड्थ है, लेकिन स्पीड तो आपको मिल रही है अभी, तो आप स्पीड की कर सकते हैं कि स्पीड बहुत कम आ रही है। आप नहीं बोलेंगे बैंडविड्थ कम दी, आपने बैंडविड्थ बोलेगा, भैया आपने बैंडविड्थ कम खरीदी है, अब पैसा प्लान बढ़ाइए, आपको बैंडविड्थ और दूंगा मैं। तो ये डिफरेंस है स्पीड और बैंडविड्थ, कभी भी कंफ्यूज और मतलब वो ना हो कि स्पीड क्या है, स्पीड अच्छी है, बैंडविड्थ, बहुत लोग बोलते हैं बहुत कम बैंडविड्थ आ रही है, अरे बैंडविड्थ कम ली है आपने, बैंडविड्थ कम नहीं है, स्पीड कम आ रही है आपकी, बैंडविड्थ एंड स्पीड आर एंटायरली डिफरेंट थिंग। तो ये टेक्नोलॉजी रिफर टू द थर्ड जनरेशन विच वॉज इंट्रोड्यूस इन 2000, आपने 2000 में 3G इंट्रोड्यूस हुआ, जिसकी 2 MBPS तक की स्पीड हो गई और काफी डाटा ट्रांसफर बढ़ गया। अब देखिए 3G के फायदे, 3G में इतने भी, मैंने लगता 3G में इतना कोई फायदा हुआ मतलब लोगों को, ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हाँ आप ईमेल सेंड कर सकते हैं फोन पे, वीडियो कॉल पॉसिबल थी, वीडियो कॉल भी अच्छी पॉसिबल नहीं थी लेकिन ठीक ठाक थी, कितना अच्छा कोई मुझे नहीं लगा, मतलब जो अच्छा 4G में लगा। आप ईमेल तो आसान हो गई थी करना, 3G केस में ईमेल करना, मेल सेंड करना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वॉइस कॉल, व्हाट्सएप कॉल इजी हो गई थी 3G केस में। पहले हम लोग डाटा डाउनलोड नहीं करते थे, अब क्या हम लोग गाना डाउनलोड कर लेते थे 3G केस में। ड्रॉबैक 3G केस में क्या आया, 3G के फोन काफी, 2G के फोन जो 2000 के थे, 3G के फोन 15,000-20,000 का आने लगे थे। और 3G में क्या था कि बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट ज्यादा थी, जो मैंने बात बोली बैंडविड्थ, स्पीड नहीं बैंडविड्थ, बैंडविड्थ 3G के मोबाइल को फोन करने को काम करने को बैंडविड्थ ज्यादा। फिर हमने आया LTE, इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन 4G। LTE तो रिलायंस का अपनी खुद की टेक्नोलॉजी है, रिलायंस जियो की LTE लॉन्ग टर्म, डायरेक्ट ने 4G अपना लॉन्च किया मार्केट में, उसको बोलते हैं LTE हम लोग।
लेकिन और जो कंपनियां वोडाफोन है, एयरटेल, आइडिया, वो अपना 3G बोलते हैं। तो 4G तो अभी आया जिसने मार्केट में सब कुछ कस्टमाइज कर दिया। आप ऑनलाइन बिना बफरिंग क्या वीडियोस देखो, 100 Mbps की स्पीड यूज करिए आप फोन में, और आप डायरेक्ट कॉन्फ्रेंस, डायरेक्ट कॉल, सब कुछ 4G थ्रू कर सकते हैं आप। तो 4G ने हमारी बहुत सारी चीजों को आसान कर दिया। ऐसे पहले किसी को मान लीजिए टिकट बुक करना है, वो ज्यादा था रिजर्वेशन काउंटर, अब क्या 4G फोन से लोग डायरेक्ट मोबाइल से टिकट बुक कर लेते हैं स्पीड की वजह से। तो बहुत सारे हमारी लाइफ में चेंजेस हुए हैं, बहुत चीजें आसान हुई हैं। मोबाइल बैंकिंग आप फोन से कर सकते हैं आराम से। तो ये सब फायदे हुए 4G के केस में। अब 4G में एक फायदा ये भी है कि हम कस्टमर को अपने प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। मतलब ऐसे कोई हमारा बहुत स्पेशल कस्टमर है, बहुत इंपॉर्टेंट कस्टमर है, तो उसको प्राइवेट एक हम अपना लिंक दे सकते हैं, बैंडविड्थ दे सकते हैं कि वो यूज कर सके। ऐसे कुछ होते हैं ना इंपॉर्टेंट कस्टमर जिनको डेली इंटरनेट यूज लगता है, बहुत ज्यादा इंटरनेट चाहिए उनको, उनका ऑफिस है, तो उनको हम प्राइवेट लिंक दे सकते हैं 4G केस में, जिससे हाई स्पीड। लेकिन एक भी चीज है, एक चीज ये भी है कि 4G थोड़ा सा इसका जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है, तो उसका नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है 4G का थोड़ा सा टफ है, कॉम्प्लेक्स है, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। मतलब थोड़ा क्या मतलब बोल सकते हैं, अब 3G से काफी कॉम्प्लेक्स है। 4G फोन महंगे थे ये आपको मालूम चाहिए। हार्ड टू इम्प्लीमेंट, मैंने बता रहा, एक्सपेंसिव इक्विपमेंट रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क। ऐसे मैंने बोला एक्सपेंसिव होते हैं इसके जो 4G के इक्विपमेंट, जैसे जो नोकिया, एयरटेल, वोडाफोन, वो एयर नोकिया, एरिक्सन, हुआवे जो अपना नेटवर्क इक्विपमेंट दे रहे हैं 4G के लिए, वो काफी कॉस्टली है एज पर कंपैरिजन 3G एंड 2G इक्विपमेंट। 3G और 4G का कंपैरिजन दिखाता हूं मैं आपको। डाटा ट्रांसफर 3.1 और 100 Mbps/s। ब्रॉडबैंड, अल्ट्रा ब्रॉडबैंड, आपने 3G के में कभी सुना होगा HD वीडियो, अल्ट्रा HD वीडियो, तो वीडियो सुने होंगे, लेकिन आप 4G में देखेंगे USG, अल्ट्रा HD वीडियो। अब तो स्मार्ट टीवी भी आती है। तो ये सब फायदे हैं 4G के। आप बैठे बैठे कोई भी करना बैठे बैठे कर सकते हैं 4G में। डाउनलोड स्पीड देख लिए 14 Mbps तक की है। तो ये 4G फोन, 4G फोन, अब तो बहुत सारे फोन आ गए हैं 4G, 3G, अब तो 5G पे काम कर रहे हैं लोग। ये 5G टेक्नोलॉजी, ऐसे ऐसे मतलब मानना है कि 2022 तक, आई थिंक एट द एंड ऑफ 2022, 5G विल बी इन इंडिया आल्सो, बिकॉज ऑलरेडी रिलायंस एंड BSNL है टेस्टेड देयर नेटवर्क फॉर 5G इन नागपुर। 2022 के अंत तक 5G हमारे आ जाएगा। इंस्टॉलेशन चल रहा है, मतलब हमारी नेटवर्क टीम, जो इंस्टॉलेशन टीम है, लाइक हमारे ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं 5G के नेटवर्क के लिए, तो वो चल रहा है अभी। जल्दी हमारे नेटवर्क में आ जाएगा, हमारे हमारे लिए अवेलेबल हो जाएगा 5G। तो 5G जैसे 2G में स्पीड कम थी, तो 5G में 3G 4G में स्पीड थोड़ी कम थी, ऐसे में लगा तो 5G स्पीड और बढ़ जाएगी। ऐसे 4G में घाटा क्या था, एक लॉस ये था कि हम चलते चलते मान लीजिए कभी मोबाइल है, मान लीजिए मोबाइल लोकेशन पे घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, तो कभी कभी नेटवर्क इशू आते हैं। ऐसा आप ट्रेवल कर रहे हैं ट्रेन में, तो वीडियो को बफर करेगा। 3G में चलता नहीं था, लेकिन 4G में चलता था, लेकिन कभी कभी बफर करेगा। लेकिन 5G में केस में क्या होगा कि बफर नहीं करेगा। बिना बफरिंग के वीडियो देखते हैं ट्रेन में, बस में ट्रेवल कर रहे हैं, उस समय देखते हैं। तो 5G के जब फायदे हैं, डाटा रेट देखिए 5G का 1 Gbps तक का है, उसका 14 या 20, 14 20 तक का था, उसका 1 Gbps तक का है। 5G फोन ऐसे दिखाया हुआ है, ऐसे मुझे तो नहीं लगता था पॉसिबल, लेकिन सिर्फ वर्चुअल फोन दिखा रहे हैं 5G के, वर्चुअल फोन आएंगे, लाइक दे के नॉट यू विल नॉट एबल टू गेट द फोन, यू हैव टू यू विल गेट अ वर्चुअल फोन ऑन योर हैंड पाम, अपने हाथ से आपको वर्चुअल फोन मिल जाएंगे, उसका काम करते हैं। लेट सी क्या प्लानिंग है ऑपरेटर्स की, वर्चुअल फोन देते हैं हमको कि नॉर्मल इसी हैंडसेट में। अब तो 5G हैंडसेट भी आते हैं मेरे हिसाब से, यूरोप में तो 5G लॉन्च भी हो गया है, जापान करने वाला है लॉन्च 5G।
वायरलेस एप्लीकेशन, जैसे ये दिखा हुआ है, ये पेजर है, ये आपका आर एफ वन, जैसे मैं बताया था पहले लेक्चर में आर एफ वन क्या होता है, जो आप बारकोड स्कैन करने में काम आता है उसको बोलते हैं आर एफ वन बोलते हैं। ये वायरलेस एप्लीकेशन डिवाइस है, ऐसे में बताया हुआ है कि वर्ड वायरलेस इन डिक्शनरी डिफाइंड एज हैविंग नो वायर। In networking terminology, wireless the term we use to describe any computer network there do no physical wired connection. Network terminology में wireless connection क्या होता है, जहाँ कोई भी computer networking ना हो, मतलब कोई भी हमको cable, physical cable, copper cable से connectivity ना हो और हमारे हम data transfer कर सकते, उसको बोलते हैं wireless communication. ये एक थोड़ी slide है regarding 3G और 4G 5G के बैंड फ्रिक्वेंसी, लाइक ईयर ऑफ डिप्लॉयमेंट, स्पीड स्टैंडर्ड, ये सब है। जैसे लिखा हुआ है 1970-1980 डिप्लॉय हुआ, 1980 में, ये 1990 में हुआ, 2002 मार्केट में आया, ये 2010 में आया 4G, 5G 2015 दिखा रहे हैं, लेकिन ओल्ड स्लाइड है तो उसमें 5G 2015 दिखा रहे हैं, लेकिन हम 2022 में इंडिया मानते हैं। स्पीड देखिए, वन से स्पीड डिफरेंट स्पीड है, ये अलग अलग चीजें है, कंपैरिजन है 2G 3G 4G और 5G का। आई थिंक दिस इज डन फॉर द डे। एनी क्वेश्चंस एनीवन यू वांट टू आस्क कैन आस्क मी। हेलो, कोई क्वेश्चन है ऑडियंस का? हाँ भाई, पूछ लिए क्वेश्चन लोगों से। GSM पैनल, ओके। पिता क्वेश्चन, किसका क्वेश्चन है ये? अच्छा, आलोक जी आप GSM पैनल की बात कर रहे हैं तो बताता हूँ मैं। जैसे आपके मोबाइल टावर्स में, अब मैं आपको थोड़ा डिप बता देता हूँ, जैसे आपने क्वेश्चन पूछ, जैसे इस क्वेश्चन की मुझे उम्मीद नहीं थी लेकिन क्वेश्चन अच्छा है ये। जैसे पहले कैसे काम करते थे आपके जो मोबाइल में लंबे एक पता मैंने बताया था लेक्चर में, मैक्रो होता है, एक होता है पतले लंबे टावर होते हैं, लंबे एंटीना लगे होते हैं, वो होते हैं आपके GSM एंटीना। उसमें क्या होता है, उसमें दो पोर्ट होते हैं, ठीक है, और उसके अंदर दो टाइप के टिल्ट होते हैं, एक होता है मैकेनिकल टिल्ट होता है, एक होता है इलेक्ट्रिकल टिल्ट। तो इलेक्ट्रिकल टिल्ट आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिकल टिल्ट से क्या होता है, हॉरिजॉन्टली वेव स्प्रेड करती है, ठीक है, और मैकेनिकल टिल्ट में क्या होता है कि उससे 0-1-2 ऊपर नीचे होता है। और ये एंटीना दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैथरीन, एक होता है एंड्रू। अभी मार्केट में कैथरीन के एंटीने नहीं आ रहे हैं, लेकिन मार्केट में एंड्रू के एंटीने आ रहे हैं। तो एक एंटीने में चार तीन तरह के बैंड होते हैं, 2G बैंड, 3G बैंड, 4G बैंड। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग मुझे नहीं मालूम, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं नहीं पता मुझे,
लेकिन काम कैसे करते हैं बता दिया कि इसके नीचे जैसे 2G का आपको नेटवर्क यूज करना है तो एक एंटीने में 2G 3G 4G दो भी होता है, अगर नहीं है तो 2G लगा सकते हैं, 3G भी लगा सकते हैं, 4G लगा सकते हैं, और आराम से अलग अलग एंटीने आते हैं। अगर आप एंटीने के नीचे पोर्ट देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी बैंड लिखा होता है उसी में कनेक्ट करना पड़ता है केबल, और वो केबल कहाँ से आती है आपकी ऊपर टावर से कनेक्ट होते हुए नीचे आपके BTS में आती है, जो बताया मोबाइल टावर वो BTS में आती है, और BTS में आप कहते हैं TSRX कार्ड होते हैं ट्रांसमिट रिसीव कार्ड, वो आपके ट्रांसमिट रिसीव कार्ड में लगती है वो केबल, ठीक है, जिससे आपकी कनेक्टिविटी होती है। तो ये आंसर सही है, और मैं एक्सप्लेन करूँ, पूछिए आप जरा सर, क्या नाम है आपका? विमल जी, हेलो विमल, हाँ किसका क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन नाम बता दीजिए। अच्छा डिफरेंस बिटवीन CDMA और जैसे मैं डिफरेंस पूछा है देखिए CDMA, देखिए बताया हुआ है CDMA GSM में डिफरेंस एक ही डिफरेंस है कि CDMA फोन्स मार्केट से क्यों गए उनकी स्टोरेज की वजह से, ठीक है, और वो क्या होता है हम कोई ट्रांसमिट करते हैं, ऐसे एक हम ट्रांसमिटर एक ट्रांसमिट में चैनल प्रोवाइड करते हैं हमारे एक नेटवर्क में, ऐसे चैनल को एक चैनल देते हैं, चैनल में 60 डिवीजन होते हैं, इसमें से 3 डिवीजन होते हैं आपके डाटा के लिए, 4 डिवीजन हो गए कॉल के लिए, ठीक है। तो क्या हुआ था CDMA केस में, जब तक पूरे चैनल खाली नहीं होंगे तब तक यूजर नहीं आएगा, ठीक है, उस चैनल में। और GSM में केस में क्या था है FIFO चलता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एक चैनल खाली हुआ दूसरे चैनल में अपने आप यूजर अपने आप आ जाएगा, मतलब बिजी आस नहीं होते हैं। लेकिन आपने जब भी CDMA फोन्स देखे होंगे तो CDMA फोन्स में हर समय बिजी बिजी आता होगा, शाम के टाइम ऐसे बिजी आस होते हैं शाम के टाइम, या फिर न्यू ईयर है कोई ओकेजन है तो उस टाइम CDMA ये लॉस था CDMA फोन में कि हमें बिजी आर तो हमको नेटवर्क की कंजेशन बहुत मिलता था CDMA फोन्स में, और ये GSM केस में नेटवर्क कंजेशन बहुत कम मिलेगा आपको, ये फायदा है, मेन ये प्रॉफिट था। और एक और क्या कि ये हमारे ट्राई के रूल्स को फॉलो नहीं कर पा रहा था, जो इंडिया में ट्राई का रूल बनाया है टेलीकॉम रेटिंग अथॉरिटी का, CDMA उसको फुलफिल नहीं कर रहा था, इसीलिए इंडिया में CDMA बंद किया गया, टाटा का CDMA फोन आते थे, रिलायंस CDMA फोन तो सारे बंद हो गए, CDMA नेटवर्क खत्म कर जाएगा इंडिया से। और कोई क्वेश्चन है विमल जी, अगर कंसर्न हो तो और बताएं हम। हाँ देखिए मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है वीडियो में, अगर आप लोग ध्यान से सुने होते तो आप BTS क्या होता है आपका बेस ट्रांसीवर स्टेशन, BTS को बोलते हैं BTS साइट बोलते, जो घर ऐसे मान लीजिए आप, मैं कोई भी लोकेशन ले लीजिए आप, इलाहाबाद में लखनऊ ले लीजिए, हजरतगंज में जो कितनी BTS साइट होंगी मान लीजिए 50, कम से कम 30 साइट होंगी BTS साइट, जो घर के ऊपर टावर लगे होते हैं उसको BTS साइट बोलते हैं, मोबाइल टावर जो आपके पास जहां पर नेटवर्क आता है उसको बोलते हैं BTS, बेस ट्रांसीवर स्टेशन, जहां से आपका मोबाइल नेटवर्क पाता है उसको बोलते हैं BTS साइट। आपको मैंने बताया BTS कई टाइप के आते हैं, नोकिया के अरे उसके नोकिया के आते हैं, एरिक्सन के आते हैं, हुआवे के आते हैं, जेटी के आते हैं, बहुत सारे BTS आते हैं, हर वेंडर के अलग अलग BTS आते हैं, वो होते हैं BTS साइट जहां से आपको मोबाइल नेटवर्क मिलता है। और कोई क्वेश्चन? मोबाइल में स्पीड कैसे सेट करेंगे आप, मोबाइल स्पीड कहाँ सेट होती है, जितनी स्पीड मिलेगी वही स्पीड चेक कर पाओगे ना आप, वो आपका है कि आप अपने जो नेटवर्क में लैच हुई है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ आप सबको, कभी आपको स्पीड नहीं मिल रही मान लीजिए मोबाइल इंटरनेट चल रहा है, तो एक बार नेटवर्क सेटिंग में जाइए, अपने नेटवर्क को 4G उठा के 3G में लैच करिए आप, क्योंकि मुझे मालूम है कि गाँव में क्या होता है कि वहाँ गवर्नमेंट अपनी मतलब कंपनियां को ऐसे लगता है यूजर नहीं है तो वहां पे अपना वो 4G नेटवर्क नहीं देते हैं, 4G टावर लगाते ही नहीं है, वो 3G चलाते हैं, बस नाम रहता है 4G, आपके मोबाइल में शो करके आएगा 4G, लेकिन रहेगा 3G आपका वो। तो उस केस में क्या करिए, अपने मोबाइल को 3G में लैच करिए, 3G नेटवर्क में लैच करिए, अपने आप की स्पीड सही हो जाएगी। अब मोबाइल में स्पीड बढ़ाने का कोई तरीका नहीं है, अब मोबाइल का अलग कंसेप्ट है वो, दैट थिंग दैट इज नॉट रिलेटेड टू माय टॉपिक, मोबाइल की स्पीड कैसे बढ़ाएंगे, और मोबाइल में आपके एरर है तो उसकी CV रैम आपकी इंटरनल मेमोरी क्लियर करिए, अगर मोबाइल स्पीड बहुत स्लो है तो दैट इज द ओनली रीजन मोबाइल स्पीड नहीं आ रहा है, लेकिन वो
रिलेवेंट नहीं हमारे टॉपिक से कि मोबाइल की स्पीड और नेटवर्क में डिफरेंट थिंग। जैसे मैं बताया 5G आपका SRAN है, जैसे मैं बताया 3G आपका 4G आपका ORAN है, 5G आपका SRAN है। तो ये टेक्नोलॉजी जैसे सीडीएम में GSM चेंज हो रही, जैसे 3G चेंज हुआ, 2G 3G चेंज हुआ, तो 4G से 5G डेवलप होगा ना, एडवांस आएगा। तो एक्चुअली 5G का भी कोई हम लोग कोई खास आइडिया नहीं है, जैसे मैं क्लियर आ रहा हूँ। 4G का बताया 5G में स्पीड बढ़ जाएगी और आई थिंक 2022 तक काम चालू होगा, 5G आ जाएगा इंडिया में, देन वी कैन डिस्कस दैट फॉर दिस 5G। अभी इंडिया में ज्यादा किसी की नॉलेज नहीं 5G की। थ्योरेटिकल कंसेप्ट पढ़ना तो गूगल कर सकते हैं, थ्योरेटिकली 5G पॉसिबल है, लेकिन स्पीड ये मैंने बताया कि बफरिंग बंद हो जाएगी 5G केस में। ये मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ 5G है। Ryzen mean कैन स्पेल करेंगे इसको, क्या बोल नहीं इसकी वो क्या स्पेल करेंगे क्या राय दैट इज नॉट रिलेटेड टू आवर टॉपिक। प्रोसेसर पे कहाँ काम कर रहा है, नेटवर्क नेटवर्किंग काम कर रहा है, प्रोसेसर तो अलग पार्ट है ना। हेलो, हाँ कौन बोल रहा है, एक मिनट मैं कॉल करता हूँ सर। अरे किसी का कॉल आ गया था, टीचर का मथुरा से ही, आप लोग ग्रुप से किसी कॉल आई थी। हेलो, हाँ बताइए सर, क्वेश्चन रिपीट करिए। विमल, हाँ कल मैंने इसका एग्जांपल दिया है आप लोग को। देखिए आप अपने लैपटॉप में जाइए, ठीक है, और वहां सर्च में टाइप करिए कमांड प्रॉम्प्ट, कमांड डालें, कमांड प्रॉम्प्ट खुल के आ जाएगा, ठीक है। स्क्रीन दिख रही है आप लोग को मेरी, मैं जूम करूं, देखी बताइएगा और कुछ आप सही है। अरे मैंने वो देखिए मैं जूम किया हूँ, सर्च में जाएंगे, टाइप करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट, कमांड डालेंगे ना तो कमांड लिख के आ जाएगा, कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे अपने लैपटॉप में तो ऐसे विंडो खुल के आएगी, ठीक है। तो आप वहां टाइप की IP config, ये कमांड है IP config लिखेंगे, इंटर दबाएंगे तो ये IP आपको आ जाएगी, आप सिस्टम की IP क्या है ये देखिए, ये IP 14 address, ये है IP 14 address आपके लैपटॉप का, ठीक है, क्या है, क्लियर है। और मैंने बता रखा है कि फोन में IP कहाँ देते हैं आप लोग, सिस्को फोन तो ऐसे मिलते भी नहीं है मार्केट में आपको सिविलियन को यूज करने के लिए, तो सिस्को फोन में IP देते हैं हम लोग, ये मोबाइल फोन में कहाँ IP देते हैं। फोन में IP देते हैं लेकिन सिस्को फोन में IP देते हैं हम लोग बस, ये मोबाइल फोन में IP नहीं देते हैं। ये IP एड्रेस समझ आ गया, IP समझ आ गया लोगों को, मतलब IP एड्रेस तो कोई भी डिवाइस को आपको डिजिटल डिवाइस का IP एड्रेस चेक करना है तो आप एक बार ऐसे आप कैसे मतलब उनका क्वेश्चन एक बार उनको कॉल पे लेंगे, उनसे पहले क्वेश्चन क्या है उनका, हाँ वो तो हर जैसे हर आईपी एड्रेस का अपना कोड होता है, जैसे हर आईपी का अपना फर्स्ट सेक्टर सेकंड सेक्टर जो होता है वो उसका कोड होता है, तो उससे आप लोग करते हैं, लेकिन वो हमारे हमारे नेटवर्क का पार्ट है, वो साइबर अटैक और वो जब पुलिस वाले होते हैं जब लोकेट करते हैं ना साइबर अटैकर को
या हमारा जो साइबर अटैकिंग टीम इंडिया की, वो सब इन सब में काम करता है। हमारा वो पार्ट नहीं है कि आईपीएस एलोकेट करेंगे, वो हमारे लिए हमारे नेटवर्क का पार्ट नहीं है। हम केवल नेटवर्क ट्रबल शूटिंग करते हैं इसके और इशू को फिक्स करते हैं। एक्शन मतलब एलटी का एक्शन, एलटी क्या, एलटी टेक्नोलॉजीज है, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, वो 4G टेक्नोलॉजीज है, वो अभी मार्केट में मतलब 2015 2010 के आसपास आई है। और क्या होता है और हाँ, स्पेक्ट्रम इज द बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ओके, स्पेक्ट्रम क्या है, अगर फ्रीक्वेंसीज के बैंड को टुगेदर हम वो कर दें, कस्टमाइज कर दें, तो हो जाएगा स्पेक्ट्रम आपका। ठीक है, स्पेक्ट्रम इज द बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज। वोल्टी इज द आप बोल सकते हैं, वोल्टी एक तरह का 4G का टेक्नोलॉजी, 4G का टेक्नोलॉजीज है। वोल्ट, वोल्टी नहीं है, वोल्ट बोलते हैं उसको हम, वोल्ट, वोल्टी नहीं है, वोल्ट है, वॉइस, सो बोलते हैं वॉइस, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। वोल्टी नहीं, वोल्ट बोलते हैं उसको। ये ऐसे GSM में आपका GPS था ना, वैसे 4G में वोल्टी है, वोल्ट, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। ठीक है, डाटा ट्रांसमिशन टेक्निक है ये 4G की। पूछ लीजिए, कोई दिक्कत बताइए। अच्छा ठीक, जैसे मैंने कल बताया हुआ था, आवाज मिली आ रही है ना? जैसे मैं बताया हुआ था कि हमारा जो OSI मॉडल है वो 7 लेयर में डिवाइडेड है। तो पैसे जो ऊपर की चार, नीचे की चार लेयर वो बोलते हैं डाटा लिंक लेयर, और नीचे ऊपर की तीन लेयर है एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन को बोलते हैं हम लोग, सॉफ्टवेयर लेयर या फिर इसमें एप्लीकेशन टीम काम करती है। ठीक है, तो जो नीचे की चार लेयर है उसमें नेटवर्क टीम काम करती है, फिजिकल डाटा लिंक ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क ट्रांसपोर्ट। नेटवर्क लेयर पे हम काम करते हैं ऐसे नेटवर्क इंजीनियर, जहाँ पे लिंक राउटर होते हैं, डाटा लिंक लेयर पे स्विचेस होते हैं, और फिजिकल लेयर पे आपके हब जो बताया था, हब जो होते हैं, हब जो फिजिकल फैक्ट्री रिकॉर्ड करते हैं, लाइक जो मोबाइल कम्युनिकेशन में आप केबल्स आती हैं, ये फिजिकल लेयर पे है। ठीक है, और डाटा लिंक लेयर से बताया हुआ आपको स्विच होते हैं, पर बताया था स्विच आपका L2 डिवाइस है, और नेटवर्क में आपकी L3 डिवाइस है राउटर, L4 आपका क्या है लाइक फायरवॉल, 3.5 में फायरवॉल आता है, F5 लोड बैलेंसर आता है, ये आपकी लेयर 4 डिवाइस है। ठीक है, तो उसके बाद आपकी सेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर है। एप्लीकेशन लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर हमारा काम नहीं है, डेवलपर्स करते हैं, हम नेटवर्क का काम कर देते हैं, तो आगे वो सेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर अपना डेवलपर काम करते हैं। जैसे क्लियरली देखिए लिखा हुआ है इसमें, एप्लीकेशन लेयर नेटवर्क लेयर डील विद नेटवर्किंग एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन बन गए हैं आपके, जैसे लाइक जो मोबाइल एप्लीकेशन बन गए हैं, जो ऐप डेवलपर हैं वो काम करते हैं एप्लीकेशन लेयर पे। और प्रेजेंटेशन लेयर पे क्या, मान लीजिए कोई डाटा आपको ट्रांसमिट करना पड़ता है वन यूजर टू अनदर यूजर, तो आप नेटवर्क में अगर एक यूजर से दूसरे यूजर को ट्रांसमिट करें डाटा, तो अगर आप उसे इनकोड या इनक्रिप्ट नहीं करेंगे तो मार्केट में वो लॉस हो जाएगा, मार्केट में वो खो जाएगा, कोई इसको कट कर देगा, कोई उसको डिकोड कर लेगा, अल्टर कर लेगा, चोरी कर लेगा,
उसके लिए क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन केस में प्रेजेंटेशन क्या होता है, उसको हम इंक्रिप्ट करते हैं। एक कोडिंग फॉर्मेट होते हैं 3DS, 3DS, 8DS, ये सब कोडिंग फॉर्मेट, इसमें फॉर्मेट में कोड करके हम आगे प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन लेयर का ये काम होता है। फिर जब यूजर के पास आता है, वो डिक्रिप्ट करता है, डिकोड करता है और वो दिखता है, इससे हमारे जो डाटा है वो क्या रहेगा, आपका सिक्योर रहेगा, नोबडी कैन उसको इनक्रिप्ट या फिर कोई उसे हैम्पर कर सकता है, टेम्पर कर सकता है। फिर आते हैं हम सेशन लेयर पे। सेशन लेयर क्या होता है सर, मेन काम क्या होता है, नेटवर्क कनेक्शन सर्विस करना फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, फ्रॉम वन यूजर टू अनदर यूजर, सिंपल हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स, ये कम्युनिकेशन के तरीके हैं। सिंपल मतलब वन वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन, हाफ डुप्लेक्स मतलब हाफ कम्युनिकेशन, पहले अपलिंक होगा फिर डाउनलिंक होगा, और फुल डुप्लेक्स मतलब अपलिंक डाउनलिंक साथ होगा। फिर हम आते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे, का मेन काम है कि डाटा हाउस की रिलायबिलिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी, हाँ रिलायबिलिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है ये। फिर नेटवर्क लेयर आपकी आती है, इसको हम सिस्को लेयर भी होते हैं, जो कि सिस्को लेयर से बोलते हैं क्योंकि मार्केट में सबसे ज्यादा 90-80% डिवाइस सिस्को की होते हैं, सिस्को एक वेंडर है। इसके बहुत सारे सर्टिफिकेशन भी सुने होंगे आपने, CCNA, CCNP, CCIE, तो ये सिस्को के लेयर पे काम करते हैं। इसमें पैकेट फिल्टरिंग, डाटा राउटिंग, पाथ राउटिंग सब इसमें होता है, इनक्रिप्ट, ये मेन आपकी नेटवर्क लेयर है। डाटा लिंक लेयर इसमें मैक एड्रेस पे काम करती है, बताया ये मैक एड्रेस पे काम करती है, फिजिकल एड्रेसिंग पे, मैक एड्रेस, जो स्विच है L2 स्विच, स्विच दो टाइप की आती है, L2 स्विच भी आती है, LC स्विच भी आती है। तो LC स्विच लेयर थ्री पे काम करेगी, वो राउटर का भी काम कर सकती है, वो एडवांस स्विचेज होती है लाइक 9960, 9360 सिस्को की सीरीज है स्विचेज की, तो इस पे काम कर सकती है वो LC स्विच। डाटा लिंक लेयर के मैक एड्रेस पे काम करेगा, और फिजिकल लेयर बताते हैं फिजिकल कनेक्टिविटी होती है डिवाइसेस की लाइक केबल वाइज, उसको बोलते हैं फिजिकल लेयर। देखिये ये एप्लीकेशन का इशू है भाई, आप इससे जो आपकी सपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट टीम है उससे बात करिए, आप नेटवर्क का इशू नहीं है, ये डिक्रिप्शन का इशू है। ये देखिए लिखा ना डिक्रिप्शन, मैंने बताया ना ये लेयर 7 का काम है, जो आपकी माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट टीम उससे बात करिए, वो इस पे काम करेगी, ठीक है। तो आपका तो कोई स्पेसिफिक बंदा हो जो माइक्रोसॉफ्ट टीम का स्पेशलिस्ट, उससे बात करिए, वो आपके सेशंस को उठा के अपने उनका माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर होते हैं टीम, आपके पास अगर माइक्रोसॉफ्ट टीम के कॉन्टेक्ट हो तो आपके सेशंस का सॉफ्टवेयर उठा के हर सेशन का वो व्यू करेंगे, कहाँ लॉस हो रहा है, बता देंगे किस लेयर पर लॉस हो रहा है, क्यों हो रहा है। अगर कनेक्टिविटी का इशू हो तो मजा आता है, लेकिन कनेक्टिविटी का इशू नहीं, लेकिन क्लियरली मेंशन है कि ये इंक्रिप्शन का इशू है, मतलब ये काम एप्लीकेशन लेयर का इशू है। देखिए लिखा हुआ है अनेबल टू डिक्रिप्ट डिवाइस, मतलब डाटा सेंड कर रहे हैं इनक्रिप्ट नहीं कर पा रहे हैं उसको, समझे कि नहीं आप। तो कभी आप उसकी एक बार ऐसा करिए ना, उसकी एक बार वो आपके में फायरवॉल है, विंडोज फायरवॉल, नहीं आपके साथ विंडोज फायरवॉल का इशू है, तो विंडोज की फायरवॉल ऑफ करके देखिएगा, आप ऑटोमेटिक अपडेट फायरवॉल थी वो ऑफ करके देखिएगा, शायद ये काम कर जाए। कभी कभी फायरवॉल भी हमारी कुछ अफेयर्स में ब्लॉक करती है। उससे बोलिए इंटरनेट प्रोफेसर क्वेश्चन हम नहीं बता सकते, क्वेश्चन मेरे लक्ष्य पर रिलेटेड नहीं है।
बता देता हूँ, फिर से बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखिए मेरी आवाज जा रही होगी ना आनंद, आनंद देखिए जैसे मैंने कल बताया हुआ है कि आपको दो सिस्टम कनेक्ट करना है वायर लाइन केबल, ठीक है। तो लाइन केबल जानते हैं आरजे40 वायर क्या होती है, नहीं जानते तो बताऊं मैं, जानते हैं लोग ना आरजे40 वायर, अच्छा आरजे45 जो आपके लैंड पोर्ट में जो केबल लगती है प्लास्टिक की होती है, उसमें आप दबा के लगाते हैं लैंड पोर्ट, उसको बोलते हैं आरजे45 केबल। तो आरजे45 केबल का मेन काम है लैंड में डाटा ट्रांसफर करने में, ठीक है। एक आरजे45 अपने लैपटॉप में लगाई लैंड पोर्ट में, एक आरजे45 दूसरे लैपटॉप में पोर्ट लगाई, ठीक है। और अपने जैसे आप क्या शेयर करना है उसको, कोई जैसे आपको एक फाइल शेयर करनी है सामने वाले को, तो वो फोल्डर में फाइल डाल दिया, फोल्डर को राइट क्लिक करिए उसमें आएगा शेयरिंग एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन आता है, आप राइट क्लिक करिए कोई फोल्डर में ऑप्शन आएगा शेयरिंग एंड सिक्योरिटी का, तो आप उसको शेयर कर दीजिए नेटवर्क में, शेयर कर दीजिए, ठीक है। फिर अपने लैपटॉप के लैपटॉप में जाइए और वहाँ IPRA 192.168.1.10 ठीक 1.1 डालिए, ठीक है। और उसका सबमिट डालिए 255.255.255.0 और अपने डिफॉल्ट वो डाल दीजिए, डिफॉल्ट में डाल दीजिए 192.168.16 और जो सामने वाला है उससे आपने लैंड केबल कनेक्ट किया वहां डाल दीजिए 192.168.1.2 सबनेट सेम रहेगा और डिफॉल्ट गेटवे सेम रहेगा, ठीक है। आप लैंड कनेक्ट कर दीजिए दोनों में, लाइट अगर पोर्ट पे लाइट जल रही है मतलब लैंड पोर्ट कनेक्टिविटी ओके है। आप दूसरा लैपटॉप पे जाइए और जाइए वहां पे शेयरिंग सिक्योरिटी में, ठीक है। उस पर क्लिक करेंगे तो एक दिखेगा कि फोल्डर शेयर है, हाथ तक हाथ ना रहेगा आप सब हैंड ना रहेगा और फोल्डर शेयर रहेगा, उस फोल्डर को खोलेंगे तो आपको अपनी फाइल दिख जाएगी, सही है विमल लोग समझ आ गया। फिर से मैं उसका एक बार फिर से रिपीट करूं, नहीं नहीं ठीक है आता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ बना के, ठीक है आपको एक एक विमल हेलो मैं डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ आपको, मैं डॉक्यूमेंट बना देता हूँ आपको PDF में बना के, मैं निशा को आपको अपनी मेल आईडी में आजकल 10 मिनट में मिल रहा था आपको अपने आपसे डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं, अगर दिक्कत है डायरेक्टली कनेक्ट करें मुझे कॉल करें, मैं सपोर्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे कॉल कर सकते डायरेक्टली, अभी मेरा फोन भी आ रहा किसी भी किसी का, हाँ तो विष्णु का फोन ही बता रहा था, विष्णु का मैं अंतर टीचर है आप लोग के, बाकी और क्वेश्चन बताइए आप वाइंड अप करें। वॉट इज फ्रीक्वेंसी, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अरे फ्रीक्वेंसी क्या होती है ठीक है आता हूं मैं, फ्रीक्वेंसी को देखिए पहले हम मेजर करते हैं हर्ट्ज में, ठीक है। थोड़ा टेक्स्ट दीजिए एक मिनट रुकिए मैं जान सकता हूँ क्या 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 हॉटस्पॉट अच्छा ठीक है, हॉटस्पॉट एक टाइप का वायरलेस मीडिया ही है, जैसे वायरलेस का जैसे आप वाईफाई राउटर कनेक्ट करते हैं अपने घर में वाईफाई राउटर, वैसे ही अपने मोबाइल में एक वाईफाई ऐप पे लगा होता है जिससे वो ट्रांसमिट करता है, हॉटस्पॉट कनेक्ट होता है आपके दूसरे फोन से, और हॉटस्पॉट में आप लिमिट भी कर सकते हैं तो कितने यूजर कनेक्ट करना है एट अ टाइम, 1 यूजर 2 यूजर ठीक है, तो वो होता है आपका हॉटस्पॉट। इस टाइप वायरलेस टेक्निक हाँ स्टैंडर्ड नेटवर्क वो होता है जो डायरेक्ट मान लीजिए एक लैपटॉप कनेक्टेड एक सिस्टम कनेक्टेड है तो वो आपका स्टैंडर्ड नेटवर्क हो गया, ठीक है। एक लैपटॉप एक सिस्टम जो अकेले इससे किसी का एक्टिविटी नहीं अकेले काम कर रहा है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड नेटवर्क, ठीक है।
टीडीएम की सीडीएम में, हाँ टीडीएम में क्या है, ये ऐसे टेक्निक होती है, मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक होती है, ऐसे बहुत सारे इनपुट को एक आउटपुट में कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते टेक्निक यूज करते हैं, उसको बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। तो मल्टीप्लेक्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग पैकेट फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। मल्टीप्लेक्सिंग इज जस्ट ट्रांसफरिंग फ्रॉम एन डिवाइस टू वन डिवाइस। ओके, तो मल्टीप्लेक्सिंग दो टेक्निक होती है, एक होती है टाइम डिविजन मल्टीप्लेक्स, एक होता है एफडीएमए, फ्रीक्वेंसी डिविजन मल्टीप्लेक्स। तो टाइम डिविजन मल्टीप्लेक्स में क्या होता है, हम टाइम वाइज डिवाइड कर देते हैं चीजों को, तो उसको बोलते हैं टाइम डिविजन मल्टीप्लेक्स, और फ्रीक्वेंसी वाइज हम डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिविजन मल्टीप्लेक्स। दीज आर ऑल मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स एफडीएमए एंड टीडीएमए। नेटवर्क के इंटरनल इंटरनल टेक्निकल पार्ट्स है जो हम डिफाइन करते हैं सॉफ्टवेयर पे, अपने नेटवर्क सॉफ्टवेयर पे, एफडीएमए टीडीएमए। तो काफी टेक्निकल चले जाएंगे, लोग कंफ्यूज, इससे मैंने वो पार्ट कवर ज्यादा नहीं किया, उस पार्ट को अंदर डीप डाइव नहीं किया। देखिए एक बार ऐसे, ये तो थोड़ा मेरे लिए कुछ रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं बता सकता हूँ इसका आंसर क्या है। एक बार अपने ब्राउजर के एडवांस में जाइए, ठीक है, एडवांस जाइए आप, एक बार सेटिंग में जाके एडवांस जाके एक बार उसको डिफॉल्ट पर रिस्टोर करिए एक बार, और जो कैश मेमोरी है आपकी और जो टेम्प्रेरी फाइल आपके ब्राउजर में सेव है उसको रिमूव करिए, हिस्ट्री क्लियर करिए, कुकीज क्लियर करिए अपने अपने ब्राउजर की, और एक बार ब्राउजर को बंद करके रिस्टार्ट करिए, अपने आप आपका पैंक हो जाएगा। नहीं तो अगर ये दिक्कत देख सोरी तो अपने ब्राउजर को एक बार अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करिए, सही हो जाएगा वो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मैं आंसर देता हूँ। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है, जो हम मेजर करते हैं यूनिट को, जो अकरेंस हमारे इवेंट में होते हैं टाइम टू टाइम, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं, और कुछ खास नहीं है। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का कुछ खास नहीं है। फ्रीक्वेंसी को मेजर कैसे करते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वन अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, अगर अभी भी किसी साथी का कोई क्वेश्चन है वो टाइप कर सकता है या सीधे सर से क्वेश्चन पूछ सकता है। सर की ईमेल आईडी और उनका कॉन्टेक्ट नंबर आपको उन्होंने शेयर कर दिया है स्क्रीन पे। एक बार हम सर से और आग्रह करेंगे कि अपनी स्क्रीन पे वो कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल आईडी आपको भेज दें। हाँ आनंद बोलिए। हेलो
तो मैं क्लोज कर दूं, मैं क्लोज कर, मैं थैंक यू। यस सर प्लीज। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कर लूंगा। तो ये था आज का चैप्टर और सेशन बाय मिस्टर प्रतीक श्रीवास्तव सर, और आज आप लोगों को मुझे लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चन सर ने उठा लिए, बहुत ही टाइम से सेशंस को बहुत अच्छे से थॉरली एक्सप्लेन किया गया सर के द्वारा। और इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई प्रश्न हो और उसकी क्वेरी को हमने सॉल्व ना किया हो, तो आप सभी लोग प्रतीक सर के नंबर पर या फिर उनके ईमेल एड्रेस पर उनसे सीधा संपर्क कर सकते हैं, जैसा कि सर ने हमें प्रोवाइड किया है ईमेल एंड मोबाइल नंबर आल्सो। तो आज के चैप्टर को हम यही समाप्त करते हैं दोस्तों, और कल फिर आपके साथ हम हाजिर होंगे सेम प्लेटफॉर्म पर सेम टाइमिंग के साथ एक नए एक्सपर्ट के साथ। कल हमारे साथ नए एक्सपर्ट जुड़ेंगे और कल का टॉपिक जो होगा, जो आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, वो हम अभी आपको बता देते हैं ताकि आप सभी उसके बारे में थोड़ा सा पहले से पढ़ भी लें और आप अपनी क्वेरीज को जिसमें आपको समस्या आ रही हो वो पहले से नोट कर लें। और उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा और हमारे साथी जो एक्सपर्ट थे, हम उनका तथा और सभी साथी जो हमारे साथ इस टीम में जुड़े हुए हैं, पूरी आईसीटी टीम एंड एससीईआरटी यूपी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हम लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी के साथ जुड़ने का मौका दिया है और बहुत कुछ सीखने को हमें यहाँ पर मिल पा रहा है। कल हमारी जो ये वर्कशॉप है उसका 19वां दिन होगा और हम आपके साथ हाजिर होंगे टॉपिक लेकर वर्किंग ऑफ एजुकेशनल टूल्स लाइक जियो जेब्रा एक्सेट्रा। और हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स होंगे, अगेन द थ्री एक्सपर्ट विल बी प्राणेश मिश्रा, शिवाली जायसवाल एंड अनुभव यादव, एंड दीज थ्री विल बी विद यू फॉर द न्यू चैप्टर, न्यू सेशन एंड विद अ न्यू डे।